आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 674वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यहां पर खड़े हुए हैं 21 नवंबर 2024 को। 21 नवंबर का नजारा हम दिखा रहे हैं, हमने 20 नवंबर का भी नजारा आपको दिखाया था। यहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है, हमारे पीछे उड़ती धूल आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। कलेक्टर के द्वारा न्यूसेंस हटाने के निर्देश दिए गए हैं, धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है। इसके पहले हम ये सारी जानकारी दें, हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि जब यहाँ पर फोर लेन का निर्माण हो रहा था तब सद्भाव कंपनी पर तत्कालीन जिलाधिकारी, तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा लगभग 1,06,00,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई थी। सड़क निर्माण में अनियमितता, इसी तरह से जो अनियमितताएं हो रही थी उस सब को लेके, उसके बाद आज तक वो राशि वसूली नहीं गई। अभी तो सिर्फ नोटिस जारी हुआ है 6 दिन के लिए। ठेकेदार के द्वारा अगर सिवनी के लोगों के शरीर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो इसके बाद नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये शोध का विषय माना जा सकता है। हमारे पीछे धूल आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। वो जो वाहन जा रहे हैं ये नागपुर से जबलपुर वाला बाईपास और नागपुर नाके, नागपुर की ओर वाला सिरा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आकर पहुंचता है। हम आपको अब इसके बाद, ये देखिए हमारे पीछे एक कार आ रही है, इस कार की हम दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर उड़ती धूल आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। और अगर हम इस तरफ आ जाएं आपको लेकर, तो आज 21 तारीख है, 21 नवंबर, 21 नवंबर को यहाँ क्या स्थिति है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये नागपुर की ओर का सिरा और यहाँ से ये वाहन जा रहा है और वहाँ से एक डंपर भी आ रहा है। यहाँ देखिए, अब आप अगर देखेंगे तो वो नीचे उतरा और वहाँ पर अनइवन सरफेस और धूल उड़ती दिख रही होगी। ठेकेदार के द्वारा पानी डाला गया है, नहीं डाला गया है, इस बात को रेखांकित यहाँ आसानी से किया जा सकता है। हमारे पीछे वाहन भी चले आ रहे हैं और हम यहाँ भी अगर आप नीचे दिखाएंगे तो पूरी सतह सूखी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको उड़ती धूल हमारे पीछे दिख रही होगी। धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, गिट्टियां उछल रही हैं, विकास हो रहा है, लोग इन गिट्टियों पर, अनइवन गिट्टियों पर चलकर गिर रहे हैं, विकास हो रहा है। ये है सिवनी के विकास का नजारा। दूर अगर आप देखेंगे तो धूल, अगर आप उसको जूम करके दिखाएंगे थोड़ा सा आप देखेंगे तो वहां आपको उड़ती धूल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होगी। वाहन वहां से आ रहे हैं और धूल के गुबार किस तरह उठ रहे हैं। 21 नवंबर 2024 शाम लगभग 4:30 का वक्त, सिवनी का ये खैरी के आगे सीलादेही ग्राम, ये अगर आप देखेंगे तो ये सीलादेही ग्राम, और सीलादेही के ग्राम के पास उड़ती धूल साफ तौर पर दिख रही होगी। ट्रक जा रहा है, ट्रक से उड़ती धूल आपको दिख रही होगी, किस तरह धूल उड़ रही है। सीलादेही ग्राम के नागरिक यहाँ इस तरफ अगर आप देखें, यहाँ दिखाइए, वो डंपर चला रहा है और डंपर जहाँ से आ रहा है वहाँ उड़ती हुई धूल। थोड़ी देर पहले हमने आपको नागपुर वाले सिरे से दिखाया, अब थोड़ा सा हम आगे आए हुए हैं और यहाँ धूल के कण उड़ते हुए हमारे पीछे आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। किस कदर धूल उड़ रही है ये दिख रहा है। जिलाधिकारी संस्कृति जैन, आपके द्वारा आदेश दिया गया है, आपके द्वारा जवाब तलब किया गया, एक सप्ताह तक यहाँ इस शिलादेही ग्राम के निवासी धूल फाकेंगे, उसका क्या, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, उसके लिए जवाबदेह कौन होगा। क्या आपके आदेश जारी करने के बाद उस आदेश की तामीली हो रही है अथवा नहीं,
ये इसके लिए कोई अधिकारी कर्मचारी पाबंद है अथवा नहीं। पीछे आप हमारे धूल उड़ती साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी आपको, वहां जला रहा है, धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, देख सकते हैं आप, वाहन इतनी धीमी गति से आ रहा है उसके बाद भी धूल उड़ती हुई दिख रही होगी आपको, विकास यहाँ पर होता हुआ आपको दिख रहा होगा। और आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वाहन में किस तरह सवारियां भी लटकी हुई थी ये भी आपने देखा होगा। पीछे हमारे और या बसेस आ रही हैं, उन बस से धूल उड़ रही है, विकास लगातार हो रहा है और पीछे भी ट्रक्स चले आ रहे हैं इस धूल के, इन सारे धूल के गुबार के लिए कौन जवाबदेह होगा। हमारे पीछे लगातार वाहनों की आवाजाही बनी हुई है, ट्रक चला रहा है, ट्रक अभी आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तब हम आपको इसको दिखाते हैं कि किस तरीके के धूल के गुबार, ये देखिए धूल के गुबार उड़ते हुए आपको साफ तौर पर दिख रहे होंगे, धूल के गुबार उड़ रहे हैं, विकास बराबर हो रहा है, पूरा विकास आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। हमारे पीछे भी धूल उड़ रही है, कोई यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। दो सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते और भारतीय पार्टी का ये संसदीय क्षेत्र है, चार विधायक हैं जिसमें से दो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कमल मस्कोले और इस तरफ थोड़ा सा आ जाइए, वाहन आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमल मस्कोले हैं और दिनेश राय, कांग्रेस के योगेंद्र सिंह और उनके अलावा योगेंद्र सिंह के अलावा रजनीश सिंह, चूंकि ये लोक विधानसभा क्षेत्र दिनेश राय का है, विधानसभा मुख्यालय है उनका। धूल किस कदर उड़ रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ना सांसद बोलने को तैयार हैं, ना विधायक बोलने को तैयार हैं, कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। गिट्टी उछल रही है, विकास हो रहा है, धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, लोग इस देखिए किस तरह मोटरसाइकिल चली जा रही है और गिट्टियों के ऊपर से जाना मजबूरी है, और विकास हो रहा है, लोगों के फेफड़े छलनी हो रहे हैं, फेफड़ों में धूल घुस रही है, विकास हो रहा है, इस तरह का विकास क्या सिवनी वालों को चाहिए। हर चीज का एक नियम कायदा होता है, सरकारी स्तर पर जब भी कोई काम किया जाता है तो उसके बाकायदा नियम होते हैं। यहाँ पर पानी की सिंचाई होनी चाहिए, अगर पानी की सिंचाई हो रही है तो ये धूल उड़नी चाहिए क्या या नहीं उड़नी चाहिए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात कि जो हमने आपको पहले भी बताई, 1,06,00,000 रुपये के लगभग शास्ति या अर्थदंड निरूपित किया था तत्कालीन जिलाधिकारी, उस समय संभवतः भरत यादव यहाँ पर सिवनी कलेक्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा सद्भाव पर जुर्माना किया गया था, और सद्भाव पर जुर्माना होने के उपरांत सद्भाव के द्वारा वो आज तक अदा नहीं किया गया, क्योंकि कलेक्टर के ऊपर जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज पर जाकर उन्होंने अपनी बात रखकर उस जुर्माने को संभवतः वे माफ करा दिया था, माफ करा लिया। तो देखिए ये है विकास, ये है कलेक्टर के आदेश, सिवनी कलेक्टर के आदेश धुएं में धूल में उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे, कौन इसके लिए जवाबदेह है। लाइट जलाकर दिन में लोग चल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, दृश्यता विजिबिलिटी कम हो रही है। ये जो आप यहाँ अगर पत्ते देखेंगे, पत्तों को अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो पत्तों के ऊपर भी धूल बैठी हुई दिख रही होगी, और पत्तों के ऊपर धूल अगर बैठी हुई है तो वो पेड़ पौधों के स्टीमेटा को भी प्रभावित करती है। ये देखिए किस कदर यहाँ धूल उड़ती हुई, यहाँ से देखिए किस कदर धूल उड़ती हुई जा रही है, यहाँ लोग रहते हैं और उनके घरों में किस तरह धूल उड़ रही है। वापस अगर हम इस तरफ दिखाएं तो देखिए दृश्यता आपको दिख रही है, विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है। पीछे अगर आप देखेंगे कलेक्टर सिवनी संस्कृति जैन, आपने कल ही 21 तारीख को
21 नवंबर 2024 को आदेश जारी किया है और 22 नवंबर 24 घंटे भी नहीं बीते हैं आपके आदेश के, उस आदेश का पालन कौन कराएगा, यहाँ इस धूल को कौन रुकवाएगा? क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो आदेश कलेक्टर का क्या है उस आदेश के पालन को सुनिश्चित कराए, ऐसी कोई एजेंसी है अथवा नहीं? दो तीन दशकों से ये बात सामने आ रही है कि जो भी जिलाधिकारी होते हैं बहुत कड़े निर्देश जारी करते हैं, एकदम इतने कड़े निर्देश जारी होते हैं उनके द्वारा कि ऐसा लगता है जब वो अखबारों में या सोशल मीडिया के जरिए या डिजिटल मीडिया के जरिए जब लोगों तक पहुँचते हैं, लोगों को लगता है कल ही इस ठेकेदार की मशकें कस दी जाएंगी। दो से ढाई दशकों से ये सिवनी की जनता देख रही है, उन आदेशों का, उन कड़े निर्देशों का पालन सुनिश्चित आज तक नहीं हो पाया है। गिट्टियां उड़ रही हैं, आपको हमारे पीछे धूल दिख रही होगी, किस कदर यहां धूल उड़ती हुई नजर आ रही होगी, गिट्टियां उछलती हुई दिख रही होंगी, वाहन बेलगाम गति से दौड़ते हुए दिख रहे होंगे और आपको यहां पर विकास होता हुआ दिख रहा होगा। 8 महीने में इस नागपुर नाके के नागपुर वाले सिरे, सिवनी के नागपुर वाले सिरे से जबलपुर वाले सिरे, इसके बीच में शहर में ये सड़क चौड़ी नहीं होगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि शहर के अंदर सड़क चौड़ी नहीं होगी। 109 करोड़ रुपए की ये सड़क बन रही है। MPRDC मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों ने धृतराष्ट्र के मानिंद, धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वे धृतराष्ट्र बने हुए हैं। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, माफ कीजिए, पट्टी गांधारी एवं माता ने बांधी थी, धृतराष्ट्र की तरह ये MPRDC के अधिकारी हैं। MPRDC का एक भी अधिकारी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरह यहाँ पर विकास हो रहा है, किस तरह यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है, और मार्च के बाद ये देखिए धूल उड़ती दिख रही होगी आपको हमारे, इस धूल से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं है। यहाँ अगर हम आपको दिखाएं, किराने की दुकान यहाँ पर है, हम उस तरफ चलते हैं, आइए हम आपको लेकर चलते हैं, उनके द्वारा यहाँ इसके ऊपर सामने एक प्लास्टिक का आवरण डालकर रखा हुआ है। सड़क आप देख सकते हैं, सड़क बन रही है और प्लास्टिक का यहाँ इनके द्वारा पर्दा यहाँ पर डाला हुआ दिख रहा है। तो धूल इतनी उड़ती है, सहेली वस्त्रालय हम इसमें आपसे जानना चाहेंगे, ये पन्नी क्यों डाल के रखी है? डस्ट कितनी, क्या बहुत ज्यादा आप आ रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि ये उन्होंने देखिए ये पन्नी डालकर रखी हुई है, ये पन्नी डालने का कारण? कारण ये है सर कि डस्ट बहुत उड़ रही है और पानी भी नहीं डालते हुए। कितना समय हो गया डस्ट उड़ते हुए? सर 1 महीना। हाँ, तो आप लोगों ने किसी से शिकायत की? अब शिकायत किससे करें, शिकायत किससे करें, ये सबसे बड़ी समस्या, शिकायत किससे करें। और ये कहीं ना कहीं आपके घरों के अंदर भी जा रही है, घरों के अंदर भी जा, पूरे बैठ रही सर, ये पेड़ पौधे देखिए इनमें पूरे डस्ट बैठी हुई है, डस्ट बैठी हुई है पेड़ पौधों पर, और हानि होती है उससे, नाकों में जा रही है, छींक आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, एलर्जी हो रही है, छींक आ रही है, इनका दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है, लोगों से साफ सफाई भी बार बार करना होता होगा, पूरा दिन धूल उड़ती है, पानी डालना पड़ता है। आप पानी डालते हैं पर ठेकेदार जिसे सड़क बनाने के लिए पैसा मिल रहा है वो पानी नहीं डालता, वो कुछ नहीं डालता है, वो तो पता ही नहीं कौन है, बस वो डंपर चलते रहते हैं, बस वो ही देख रहा है। और कोई अधिकारी आता है सड़क वाला? कोई कुछ नहीं, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता। जिला अधिकारी संस्कृति जैन ये प्रत्यक्ष है, इनको प्रमाण की आवश्यकता आपको नहीं है,
देखिए, किसी अधिकारी को भेजिए, इनसे बात कराइए और इनकी परेशानी समझने का प्रयास कीजिए। ये जो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उस टैक्स से हर अधिकारी को वेतन मिलता है, उसी टैक्स से ये सड़क बन रही है, और इनके टैक्स से इनको ही अगर परेशानी हो रही है तो इसे क्या कहा जाएगा। ये इन्होंने बताया, देखिए हम आपको दिखाते हैं, पेड़ के ऊपर आइए, यहाँ दिखाइए किस कदर यहाँ पर, ये देखिए धूल जमी हुई साफ तौर पर दिख रही, एस्टिमेटा प्रभावित हो रहा है इसका। सलेम तक में धूल का कहाँ, ऊपर सलेम में भी धूल ही धूल, स्लैब में भी धूल है, तो उसे साफ कैसे करते हैं? अब वो तो अब ऐसा पड़ा है, ऊपर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, ऊपर धूल, और आपका कहना है डंपर यहाँ, बहुत परेशानी है, लोगों को परेशानी हो रही है। दिनेश राय जी आपका विधानसभा क्षेत्र है, भारती पारदी जी आपका संसदीय क्षेत्र है, संस्कृति जैन आप यहाँ कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर हैं, ये जवाबदेही आपकी है कि यहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो। सीलादेही ग्राम है, सीलादेही ग्राम के निवासी किस तरह रह रहे हैं, तो शुरुआत है, इसके बाद खैरीटेक है, खैरीटेक के बाद फिर नागपुर नाके वाला हिस्सा है, उधर लूगरवाड़ा है, लूगरवाड़ा के आगे नगझर, और उसके बाद आगे तक की स्थिति है। कैसा नारकीय जीवन सिवनी के लोग जीने पर मजबूर हैं। एक बार फिर आपको हम यहां से उड़ती हुई धूल दिखाते हैं, वाहन चले आ रहे हैं, धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, गिट्टियां उछल रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, विकास हो रहा है, गिट्टियां गिट्टियों के साथ में लोग यहां गिर रहे हैं, चोट लग रही है, विकास हो रहा है, धूल उड़ती हुई आपको ये देखिए किस कदर यहाँ पर धूल उड़ रही है, धूल का गुबार, ऐसा लगता है कि आप किसी और रेगिस्तान की, मैं कहीं ये गाड़ियाँ चल रही हूँ, रेगिस्तान नहीं, ये मध्य प्रदेश में शिव की नगरी सिवनी है। फैसला आपको करना है कि क्या इस तरह का विकास सिवनी में होना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 674वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 675वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।